चरथावल थाना क्षेत्र के ग्राम कयामपुर में उस संगीय बखेड़ा खड़ा हो गया जब सोसाइटी के एमडी और उनके कुछ साथी किसानों से सोसाइटी का कर्ज वसूल करने पहुंच गए। किसान ने इसकी सूचना भाकियों कार्यकर्ताओं के दी। सूचना पर पहुंचे भाकियों कार्यकर्ता दूधली के एमडी को पकड़ दिया। पैसे देते हैं, रिश्वत लेते हैं। कौन आदमी है जो रिश्वत लेता है? दूधली एमडी मुकेश कुमार, जो दूधली सोसाइटी के एमडी गुंडे साथ में रखे और अपने अपने साथ में पांच सात में ऐसे भी रखते रखते हैं और जिससे कि किसानों को और हमारी पंचायती परसों यूनियन की और हमारे लगभग साढ़े सात बजे करीब तो उन्होंने अपने पंचायत जैसा हमारी किसान यूनियन पंचायत में तो गांव के किसान लोग पंचायत में अब जी ऐसा ऐसा हो रहा और हम आगे कुछ भाग गए तो हम उन्हें लेकर फिर वहाँ पर गए जिस उनके साथ में तीन आदमी थे दो भाग गए और एम डी साहब जो दूसरी एम डी एम मुकेश कुमार उन्हें हम पकड़ने में कामयाब हो गए। उनसे पकड़ने के बाद जैसी बात थी तो सारा प्रकरण आपके हमारे सामने आ गया और बाकी कामपुर के किसान है बाकी जो भी प्रकरण है आपको अपने रूप रू आपको कामपुर के किसान अभी आपके सामने बता दें। पूरा मामला क्या हुआ? 15,000 पूरा मामला 15,000 रुपए दिए, उनकी रसीद भी नहीं मिली आज तक। क्या नाम है उनका? उनका नाम मुकेश। कब दिए थे? कब दिए आपने? ऐसे हो गए 25 दिन। कितने लोगों से पैसे लिए उन्होंने? राजवीर से लिए, मेरे से लिए। राजवीर जी कहाँ है? राजवीर जी बताइए। मैंने भाई 10,000 रुपये दिए उन्हें। अच्छा, उन्होंने कहा कि चल भाई तेरा पेंडा छूट लगा। फिर निकाल कर मैंने वादा कर लिया, मतलब पैसे और दिया तुझे। फिर कहना तू और रहने दे और तू इनका मुझे कर लूँगा, मैंने आपको करवा दूँगा। 10 तारीख में पैसे दिए थे ना, मुझे कुछ रसीद मिली ना कुछ। और पिछले साल का जो बता रहा है 5,000 रुपये दिए थे सब लोगों से कितना गया? जगजी से बात करते हैं। हमारे जो ये एमडी हैं दूधली सोसाइटी के, ये एक तो लोकल गांव के ही रहने वाले हैं, ये अपने गांव से ये दूधली के ही रहने वाले हैं और दूधली समिति के ही ये एमडी हैं और यहीं के रहने वाले हैं। तो ये यहाँ का लोकल का बहुत फायदा उठा रहे हैं। यहाँ इनके गांव में अपने गुंडे हैं जो रखे हुए हैं, जिन्हें शाम को रोज ये दारू और उस तरीके की वहाँ पे उनकी पार्टी चलती है और किसानों से गलत तरीके से उगाही कर रहे हैं ये लोग। ये सारे किसान जितने भी आप देख रहे हैं सब पीड़ित हैं और सब अपनी समस्या के लिए गुहार लगा रहे हैं सरकार से, लेकिन किसान यूनियन इनके साथ है। जब तक ये MD इस समिति से नहीं हटाया जाएगा, हम लोग ये धरना चालू रखेंगे, रोड भी जाम करेंगे। धरना 11 बजे से चल रहा है और ये इसी तरीके से चलता रहेगा जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। हम रोड जाम भी करेंगे और ये हमारा वादा है अभी सारे किसान भाइयों से, जब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं होने का हम यहाँ से नहीं उठने के। धरना 11 बजे से चला हुआ है और दूधली समिति पर धरना रखा गया किसानों से। जो कुछ किसान वहाँ पर गए, जो MD है वहाँ का दूधली का मुकेश कुमार, उनने किसानों की साहब बदतमीजी भी की और अपने वहाँ पर गुंडे भी रखे थे। उन्होंने शराब की गुंडों का क्या नाम था? गुंडों का नाम हम नहीं जानते, क्या उन्होंने शराब भी रखी थी और बदतमीजी के पास सात किसानों के साथ है। वहाँ से उठने के बाद फिर हमने धरना विराज जी में रखवाया और यहाँ पर धरना दे रहा है। धरना जब तक चलेगा जब तक कि उसका MD का समाधान नहीं हो जाता, नहीं रोड जाम होगा, चाहे 2 दिन लगे 4 दिन लगे, धरना ऐसे ही चलता रहेगा। प्रशासन क्या बोलता है? प्रशासन कुछ नहीं बोल रहा, प्रशासन सबसे बात होगी, SDM साहब से बात होगी, ARO से बात होगी, लेकिन किसी ने कुछ भी अभी तक नहीं संज्ञान में मामला लिया। और बड़े ही मुझे भी लगता है कि कहीं में भी भ्रष्ट है उनके साथ मिले हुए हैं, जो हमारी नहीं सुनने को तैयार है, किसी किसान की सुनने को तैयार नहीं है। हमारे ऐसा लगता है कि वे भी कहीं उनके साथ नहीं मिले हुए हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि हमारे किसानों को
न्याय मिला और जैसा कि सरकार कह रही है कि जो ब्याज जमा करना है वो किसानों का ब्याज जमा हो जाए, मूल जब किसानों के पास आएगा उसके बाद किसान अपना मूल भी जमा कर देंगे और हमारे किसानों को राहत मिले और उस भ्रष्ट एमडी को वहाँ से पता लग गया कि वो अपने घर में बैठ कर इन पर बदमाशी कर रहा है। दूध जिले को यहाँ रहने वाला एमडी है और जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं जो नीचे तबके के लोग हैं उनकी साथ में अपनी पूरी गुंडागर्दी के साथ पूरी काला वसूली, तानाशाही और धन वसूली पूरी कर रहा है जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। किसी किसान को किसी प्रकार की कोई उसने रसीद नहीं दे रखी, कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है। हमारे पास एक वीडियो है जो हमने जब क्लिप है छोड़ी थी जब हमने उसको रात के टाइम में 7:30 बजे लगभग उसको पकड़ा था किसानों के साथ में और किसान के साथ रिश्वत मांगने की भी हमारे पास उसकी क्लिप है, वो ऑडियो में है, वो बात कर रहे हैं और सीधे सीधे खुल्लम खुल्ला रिश्वत की डिमांड कर रहे हैं। आदमी से बात कर रहे थे उस टाइम, वो हमारे ही संगठन के नए पंचायत अध्यक्ष हैं ठाकुर मदन सिंह, उनके साथ ही बातचीत हो रही है और उनसे बातचीत में भी खुली रिश्वत की बातचीत हो रही है कि हमें जो है जितनी रिश्वत चाहिए इतने